हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेकलेस अनबॉक्सिंग। तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने दे रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉम्पैक्ट लाइटवेट एयर सर्कुलेटरी फैन का, जो कि है आयरिस ओयामा कंपनी का। तो ये एक जैपनीज ब्रांड है सिंस 1958 और ये जापान का नंबर वन एयर सर्कुलेटर फैन है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हो इसके फ्रंट के बॉक्स में जाओ, इसके ब्रांडिंग दी गई है आयरिस ओयामा कंपनी का। जैसे कि मैंने बताया, ये ब्रांड है सिंस 1958 का। और यहाँ पे मॉडल नंबर दिया गया है, जो इसका मॉडल नंबर है वो है PCF MKM 15। इसमें आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे, ये इसका बेस मॉडल है, इससे अपर मॉडल भी आता है, उसका भी मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके फ्रंट पे, यहाँ पे हमें लोगो दिया गया है इसका, जो हमारा फ़ैन है इसके अंदर। और इसमें हमें दिया गया ये लेफ्ट टू राइट ऑटो स्विंग फ़ैन है हमारा। और इसके इस साइड में हमें कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो इसमें वोटेक्स ब्लेड्स का यूज़ किया गया। और इसकी यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसका प्राइस MRP वगैरह दिया गया है। तो फटाफट इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एयर सर्कुलेशन फ़ैन है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इसमें आपको जो दो मॉडल्स देखने को मिलेंगे वो इसके बारे में बताया गया है कि ये हमारा बेस मॉडल है, जो मैं अभी अनबॉक्स और रिव्यू कर रहा हूं। और इसके ऊपर वाला मॉडल आता है, उसमें रिमोट वगैरह आ जाता है, काफ़ी स्मार्ट आ गया है वो। तो उसका भी मैं आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू दूंगा। और उसके बाद हमें मिलता है इसमें वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा एक, तो इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी। और आप इसको सिंपली रजिस्टर कर सकते हो इनको मेल करके, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपके नेम एड्रेस वगैरह उनको डायरेक्ट मेल करके आपका रजिस्टर हो जाएगा ये। और इसके बाद हमें दिया गया है इसका रीडिंग मैनुअल है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको देखने को। और उसके बाद हम निकाल लेते हैं जो हमारी मेन यूनिट है। और पैकेजिंग इसमें काफ़ी कमाल की पैकेजिंग हो रखी है, जो आपका प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ पहुँचेगा आपके पास और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा आपका प्रोडक्ट। तो इसको हम फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये प्रॉपरली पैक किया गया है ये। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें थर्माकोल का यूज़ किया गया है ताकि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज ना हो, बिल्कुल प्रॉपर पहुँचेगा आपके पास ये प्रोडक्ट। और ये आ गया हमारा, इसकी जितनी भी पैकेजिंग है इसको हम साइड पर कर देते हैं। तो ये मैंने अनबॉक्स कर लिया, आप देख सकते हो मेरे पास ये वाइट कलर में आया। इसमें आपको टोटल 4 कलर्स अवेलेबल हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक, पिंक और ग्रे, आप अपने हिसाब से कलर बाय कर सकते हो। और इसका जो आउटर मटेरियल है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया गया, जो प्लास्टिक मटेरियल है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। और इसके बैक में आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हैंडल दिया गया है, जहाँ से आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। और ये जो आपका एयर सर्कुलेटर फ़ैन है ये काफ़ी लाइट वेट है, 1.6 kg का सिर्फ है ये, इसको आप कहीं भी ईजिली कैरी कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, अपने किचन में यूज़ कर सकते हो, या एज ए टेबल फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो आप इसको, मतलब काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला फ़ैन है ये। और इसके साथ में आपको इसके जो केबल देखने को मिलेगी, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ एक बार आपको केबल को। और जैसी जो आपको केबल देखने को मिलेगी, ये 1.4 मीटर्स की आपको केबल देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी केबल है और ISI मार्क्ड है ये। और जो इसका पावर प्लग है वो भी ISI मार्क्ड है, तो बिल्कुल सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। और ये जो आपका फ़ैन है, इसमें आपको 3-speed कंट्रोल देखने को मिलेगा, जो इसके फ्रंट में आप दे सकते हो। इसमें आपको 3-speed कंट्रोल है, इसमें आपको एक तो लेफ्ट टू राइट ऑटो स्विंग देखने को मिलेगा, अगर आपने इसको स्टिल रखना है एक ही पोजीशन में वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा भी आपको। और इसके बैक में आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको मोटर देखने को मिलेगी, जिसकी मोटर यूज़ की गई है यहाँ पे। और इसमें आपको टोटल 6 पोजीशन दी गई हैं, आप इसको 6 पोजीशन में सेट कर सकते हो। ये सबसे बॉटम वाली पोजीशन है, तो इसको आप मूव कर सकते हैं, मैनुअली मूव करके आप इसको पूरा घुमा सकते हो, 90 डिग्रीज तक ये जाएगा टोटल। और यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हो एक स्पायरल ग्रिल डिज़ाइन दिया गया है, इसमें हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है, काफ़ी टाइनी होल्स हैं, इसमें आपकी फिंगर वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। और इसमें आप देख सकते हो जो हमारे नॉर्मल रेगुलर फ़ैन होते हैं उनका विंड एरिया कवर वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर इसमें आपको विंड एरिया कवर कम मिलेगा और आपका जो एयर फ्लो वो काफ़ी दूर तक जाएगा और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा। इसमें वोटेक्स ब्लेड्स का यूज़ किया गया, तो इसको मैं आपको फटाफट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने प्लग कर दिया है, इसको मैं अब आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसमें आपको देख सकते हो आप ये बॉटम में 3-speed कंट्रोल दिए गए हैं, एक साइड आपको दिया गया है, अगर आप इसको राइट साइड को मूव करोगे तो इसमें ऑटो स्विंग होगा ये लेफ्ट टू राइट, ये देख सकते हो आप, ये 1st speed पर कर दिया। और आप देख सकते हो ये काफ़ी साइलेंट फ़ैन है, आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी इसकी, मैं आपको 4th speed पर भी चला के दिखाऊंगा आपको। तो ये 1st speed पर चल रहा है अभी, है ये इसकी 2nd speed हो चुकी है, देखिए 2nd speed पर चल रहा है ये, लेफ्ट टू राइट ऑटो स्विंग है। और ये इसकी 3rd speed आ गई है, तो देख सकते हो आप ये अपनी 4th speed पर चल रहा है और काफ़ी साइलेंट फ़ैन है ये। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको 2 modes देखने को मिलेगी, जैसे कि ये तो लेफ्ट टू राइट ऑटो स्विंग कर रहा है, अगर आपने इसको स्टिल रखना है एक ही पोजीशन पे तो उसके लिए आपको इसको लेफ्ट साइड को टर्न करना पड़ेगा। तो देखिए
अगर आप इसको लेफ्ट साइड को टर्न कर दोगे जो इसका स्विच है, तो ये आपको एक ही पोजीशन में आपका जो एयर फ्लो है वो प्रोवाइड करेगा। तो देखिए एयर फ्लो अब इसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपने इसको लेफ्ट टू राइट स्विंग करना है तो आप इसको राइट साइड को मूव कर सकते हो। तो देखिए अभी मैंने राइट साइड पर कर दिया और इसमें आपको टोटल जैसे मैंने बताया था कि 6 पोजीशन देखने को मिलेगी। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो इसकी पोजीशंस। तो ये 90 डिग्री तक जाता है, मतलब जो इसकी मैक्सिमम है, और नीचे बॉटम में यहाँ पे जाएगा आपका। तो देखिए आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, टोटल आपको 6 पोजीशंस मिल जाएंगी देखने को। तो इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। और ये ओनली 35 वाट कंज्यूम करता है, जो आपका एयर सर्कुलेटर फ़ैन है आइरिस ओयामा कंपनी का। और ये फ़ैन काफ़ी ईजी टू क्लीन है। अगर आपने इसको क्लीन करना है तो आप सिंपली इसको बैक से, आप यहाँ पे इसके स्क्रूज दिए गए हैं उसको आप इजीली रिमूव करके इसको क्लीन कर सकते हो। काफ़ी इजी टू क्लीन है ये। और आपने अगर ये बाय करना है तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हो। 4 कलर्स में आपको अवेलेबल है। तो आप इस सर्कुलेटर फ़ैन को आप किसी भी सीज़न में यूज़ कर सकते हो, अपने विंटर में, समर में या रेनी सीज़न में। तो इसको मैं अभी विंटर में यूज़ करने वाला हूँ और अभी मैं इसको अपने हीटर के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे यूज़ होगा ये। तो अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो इसको मैं अपने हीटर के साथ चला के दिखाऊंगा आपको कि जो हमारे हीटर की हीट है वो ये पूरे रूम में सर्कुलेट कर देगा। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, इसका जस्ट जो 6 पोजीशन है उसमें आप इसको ऊपर वाली पोजीशन पे सेट करके और इसको ऑटो स्विंग पे कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो हमने फेस है वो अप की डायरेक्शन में कर दिया, तो ये जो हीटर की हीट है ये पूरे रूम में सर्कुलेट कर देगा और जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखेगा ये। अगर आपने एसी के साथ यूज़ करना है तो जैसे एसी हमारा इस साइड पर लगा हुआ है तो एसी के आगे इसको रख दें और जो हमारे एसी की जो कूलिंग है वो पूरे रूम में सर्कुलेट कर देगा और उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा ये बिल्कुल। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस आइरिस ओयामा कंपनी सर्कुलेटर फ़ैन का। तो अगर आपने बाय करना है तो आप इजीली बाय कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।